बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 5, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंसदान थे, गोल्डबर्ग एंड वेज। 1869 में उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है लॉ ऑफ एक्टिव मैसेस। एक्टिव मास क्या होता है, पहले इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टिव मास कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में जब हम लेते हैं। डेसीमीटर क्यूब एक लीटर को कहते हैं। एक लीटर के अंदर उस चीज़ के जितने मोल आए हुए होते हैं उसको उसकी मोलैरिटी कहते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर। इसका दूसरा नाम है मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन को जब मोल्स में ज़ाहर करते हैं पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से, तो ये होता है एक्टिव मास। यानी मोलैरिटी को एक्टिव मास कहते हैं। और इसको जब ज़ाहर करना होता है तो एक स्केयर ब्रैकेट लगाते हैं, ये एक स्केयर ब्रैकेट है। फ़र्ज़ किया एक गिर्द में ये स्केयर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्टिव मास ऑफ ए या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए या मोलैरिटी ऑफ ए, यानी इसके मोल्स डेसीमीटर, एक डेसीमीटर क्यूब में इसके जितने मोल्स होंगे वो ब्रैकेट का मतलब ये शो करता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में उनको दो हिस्से में उसने बयान किया है। एक हिस्सा उसने ये बताया है कि जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है सब्सटेंस, तो उसकी रिएक्शन की जो रिएक्ट करने की रफ्तार होती है वो डायरेक्टली पोर्शन होती है उसकी मोलर कंसंट्रेशन के, यानी एक्टिव मास के। मसलन एक चीज़ सी, सब्सटेंस सी ए, इससे बना प्रोडक्ट। तो अब जब ये रेट ऑफ सब्सटेंस जिस रफ्तार से ये रिएक्ट कर रहा है वो इसकी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितनी मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी रफ्तार भी ज़्यादा होगी, जितनी मोलैरिटी कम होगी उसकी रफ्तार भी कम होगी। रेट का मतलब स्पीड है, रफ्तार है यहाँ। तो लॉ का पहला हिस्सा तो ये बता रहा है कि जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसके एक्टिव मास के। जितनी उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी उसी हिसाब से उसकी रफ्तार भी तेज़ या कम होगी। अब देखिए, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने शो किया, इसमें दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और दो प्रोडक्ट हैं सी एंड डी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चल रहा है। तो रिएक्शन का जो रेट होगा, यानी रिएक्शन की जो रफ्तार होगी, वो एक्टिव मैसेज जो है रिएक्टेंट के, एक एक्टिव मैसेज है ए का, एक बी का, दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है असल ज़रब, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे मैं कहूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का मतलब असल ज़रब, रिएक्टेंट्स के को मल्टीप्लाई करके जो हासिल हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी कि जितनी इनकी मकदार ज़्यादा होगी, इनकी मोलैरिटी ज़्यादा होंगी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, उतनी ही रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर पहले लाइन में उसने ये बताया कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास, ये बात जो मैंने पहले बताई। और फिर वो बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं ए प्लस बी डबल एरो सी प्लस डी, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है। तो लॉ के मुताबिक हम ये कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जब फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे तो ये रिएक्टेंट होंगे, तो इन दोनों के मोलर मैसेज के हासिल ज़रब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आएगा के एफ, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एफ फॉरवर्ड का है और रेट का मतलब इसकी स्पीड। अब जब रिवर्स रिएक्शन की बात होगी तो रिवर्स रिएक्शन इस तरफ चलता है तो उस वक्त रिएक्टेंट ये होंगे, तो मैं ये कहूँगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सी इनटू डी के मोलर मैसेज। अब चूँकि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो इस तरफ जब रिएक्शन रिवर्स में चलेगा तो ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए हमने इसके करना है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, यहाँ इक्वल आएगा के आर लगेगा, रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आर एफ एफ फॉरवर्ड का है, स्मॉल आर जो है ये रिवर्स का है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर जाकर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। आर एफ के नीचे आर एफ की वैल्यू लगाऊंगा, ये आर एफ की वैल्यू है, आर एफ बराबर है के एफ इंटू ए इंटू बी, और ये रिवर्स की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा के आर सी इंटू डी। ये के आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा के एफ ओवर के आर, सी और डी के नीचे ये ए और बी आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे।
मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट, मोलर मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब Kf और Kr जो हैं इनको लिखने की बजाय इसकी जगह एक कॉमन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा देते हैं, Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो ये वैल्यू आ जाएगी C इंटू डी ओवर ए इंटू बी। इसी जनरल रिएक्शन की एक दूसरी फॉर्म जो है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा। जनरल रिएक्शन में यहाँ पर कोफिशेंट भी लगाए हैं साथ, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी, बाकी सारा रिएक्शन वही है, सिर्फ कोफिशेंट्स आएंगे। कोफिशेंट्स आते होते हैं ना, ये देखें इस मिसाल को देखें, इसमें एन टू प्लस थ्री एच टू, ये थ्री कोफिशेंट है, यह टू कोफिशेंट है, टू एन एच थ्री। तो बाज जो हैं रिएक्शन उनको बैलेंस करने के लिए पीछे कोफिशेंट लगाने पड़ते हैं, इसलिए उसने जनरल रिएक्शन में कोफिशेंट भी शो किए हैं। ए के पीछे ए आएगा, बी के पीछे स्मॉल बी, सी के पीछे स्मॉल सी, डी के पीछे स्मॉल। उसी तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली पोर्शन होगा रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, ए आएगा, ये जो कोफिशेंट होता है ये पावर की शक्ल तैयार कर जाता है, ये ऊपर आ जाता है, बी ये ऊपर आ जाएगा पावर की शक्ल में। तो ये बन जाएगा आर एफ इज इक्वल टू के एफ, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वल का साइन लगाया, साथ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ए मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए और बी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में सेम सी और डी आ जाएंगे, ये सी ऊपर पावर में चला जाएगा, डी पावर में। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे सेम, उसी तरीके से इसकी वैल्यू इधर लगेगी आर एफ की और आर की वैल्यू इधर लगेगी समान, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी सेम वही रिएक्शन है सिवाय इसके कि इसको ऊपर पावर्स आ गई हैं, जबकि पहले हमने बगैर पावर्स के किया था, क्वेश्चन के बगैर किया था समझाने के लिए, अब साथ मोर जनरल रिएक्शन जो है उसमें साथ क्वेश्चन भी लगाने पड़ते हैं। ये एक जनरल सवाल है। अब एग्जांपल उसने दी हुई है कि एन टू जमा ओ टू टू एन ओ एन, टू एन ओ जब हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो के सी प्रोडक्ट ऊपर जाएंगे, एन ओ ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन पावर में चला जाएगा, इसी तरीके से रिएक्टेंट नीचे आएंगे, एन टू की मोलर कंसंट्रेशन ओ टू की मोलर कंसंट्रेशन, तो ये डायरेक्ट के सी की वैल्यू बनेगी। लहदा जब इनको करना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली पोर्शन होगा एन टू ओ टू का, इसको जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे के एफ एन टू ओ टू लगेगा, और इधर फिर रिवर्स रिएक्शन में जब जाएंगे ये रिएक्टेंट बन जाएगा एन ओ, ऊपर पावर चली जाएगी, और वही के सी में जब हम लिखेंगे दोबारा वही आ गया। इसका के सी वैल्यू लिखनी है जी एन टू जमा थ्री आई टू टू एन आई थ्री, ऊपर प्रोडक्ट आने हैं, एन आई थ्री आ गया, दो जो कोफिशेंट था वो ऊपर पावर में चला गया, इसी तरह रिएक्टेंट है एन टू एच टू, एच टू की जो कोफिशेंट था ये इसकी पावर में चला गया, तो ये इसकी के सी वैल्यू बन गई। यहाँ तक आज का आपका सवाल है, किताब में से ये सवाल आपने ऐसे ही याद करना है, पेज नंबर 6 के ऊपर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ये यहाँ से शुरू होगा, पेज नंबर 7 बिल्कुल आसान है, ये याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, ज़बानी लिखने वाली है, 7, 8 और 9 ऊपर जाकर यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, और फिर एग्जाम्पल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया।